हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज है हमारे पास ऑल्टो K10, ये है VXI मॉडल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। इसकी चाबी आपको वैसे सिंपल मिलती है, इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है इस मॉडल में। उसके बाद सबसे पहले मैं गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ आपको। इसका बोनट ओपन करता हूँ मैं, एंड इसमें जो आपको इंजन मिलता है वो 1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 66 BHP और 89 Nm ऑफ टॉर्क। यहाँ पर आपको ये पाइप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये विंडशील्ड वॉशर के लिए रहते हैं। एंड यहाँ पे आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया है, वो आपका सिर्फ एक हुक हो जाएगा ताकि आपका हुड ओपन रहे। उसके बाद यहाँ क्लोज़ करते हैं इसको, एंड यहाँ बोनेट पे आप देखेंगे तो एक सिंगल वॉशर दिया गया है, जो कि आपकी पूरी ग्लास एरिया को क्लीन करता है। उसके साथ ही आपको 2 वाइपर दिए गए हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे हेडलाइट में आपको वहाँ पर पार्किंग लैम्प दिया गया है, एक ये सिंगल H4 बल्ब दिया गया है जो कि अपर डिपर दोनों का काम करेगा, एंड यहाँ पर आपको दिया गया है इंडिकेटर। नीचे आपको ये बम्पर में कोई भी फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग नहीं दी गई है इस मॉडल में, तो ये आपको ऐसा कुछ बम्पर का डिज़ाइन दिया गया है। एंड ये ब्लैक मैट फिनिश में इसकी ग्रिल दी गई है, जिसमें आप नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। नीचे आपको यहाँ सिल्वर में स्किड प्लेट दी गई है, और ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। सेंटर में दोनों हेडलाइट से कनेक्टेड एक क्रोम की स्ट्रिप गई है, जिसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है बीच में। साइड में जाके बात करते हैं इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल यहाँ दिया गया है 145/80R13। ओवरऑल इसमें 13 इंचेस का टायर सेटअप दिया गया है। यहाँ की आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिल जाते हैं अंदर, एंड ऊपर आपको सिल्वर में ये व्हील कवर मिल जाता है, जो कि इस मॉडल का पार्ट है। यहाँ पे आपको ये मड फ्लैप्स लगे गए हैं, एंड यहाँ साइड में आपको क्लैडिंग दी गई है ब्लैक में, जो कि छोटे छोटे माइनर स्क्रैचेस से आपको बचा सकती है। फेंडर पे आपको यहाँ इंडिकेटर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको ये ब्लैक मिरर दिया गया है, जिसमें आपको मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि दरवाज़ा ओपन करके मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये लीवर दिया गया है, इससे आप इसको मिरर को एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। दरवाजे में आपको यहाँ चाबी के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं दी गई है, तो आपको मैनुअली यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड ही दिए गए हैं। अगेन यहाँ पीछे आपको क्लैडिंग मिल जाती है, तो ये फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको यहाँ क्लैडिंग दी गई है इस मॉडल में। तो इसमें आपको यहाँ जो क्लैडिंग दिख रही है, ये वाली और वो जो फ्रंट में लगी हुई है, तो ये सब कुछ एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ तक कि ये जो आप क्रोम गार्निश देख रहे हैं, ये भी आपको एसेसरीज़ में ही लगवाना पड़ता है। ऊपर आपको यहाँ रेन वाइज़र दिख रहा है, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। बाकी यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो ये रूफ़ मिल जाएगा, कुछ ऐसी लाइन्स बनी हुई हैं रूफ़ में, और वो हो गया आपका FM का एंटीना। बैक साइड में बात करते हैं, बैक साइड में आपको यहाँ टेल लैम्प मिलता है, जिसमें ये रेड वाला आपका पार्किंग लैंप प्लस ब्रेक लैंप, ये हो गया आपका इंडिकेटर, एंड ये हो गई आपकी रिवर्स लाइट। नीचे आपको यहाँ देखेंगे तो 2 आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, यहाँ नंबर प्लेट की जगह, एंड अगेन नीचे आपको सिल्वर में स्किड प्लेट की फिनिशिंग दी गई है। ये जो क्रोम गार्निश है, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है, एंड ये जो टेल लैंप्स के आउटर में क्रोम गार्निश लगी है, ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। इसका बूट ओपन करता हूँ मैं, आप अंदर से भी ओपन कर सकते हैं एंड चाबी से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट स्पेस, 214 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है ओवरऑल। एंड यहाँ पे आपको दोनों साइड हाइड्रोलिक दिए गए हैं, जो कि आपके बूट को ओपन करने में सपोर्ट करते हैं, एंड इसको बंद करते हैं। ऊपर यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फ्यूल टैंक के लिए आपको जगह दी गई है, जिसकी कैपेसिटी है 27 लीटर की, तो 27 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दिया गया है। एंड आपको यहाँ लेफ्ट साइड में भी पैसेंजर साइड से भी चाबी लगाने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी रही इसकी आउटर प्रोफाइल। हम मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स पे। हाँ, यहाँ पे आपको ग्लास में कोई भी डिफॉगर नहीं दिया गया है, ये प्लेन ग्लास ही है। और ये जो मैं बता चुका हूँ, ये क्रोम एसेसरीज़ का पार्ट है। उसके बाद दरवाज़े पर आपको सबसे ऊपर ये मिरर एडजस्टमेंट मिल जाता है, ये आपका दरवाज़ा ओपन करने के लिए, ये हो गया इसका लॉक। ये ग्रैब हैंडल दरवाज़ा लगाने के लिए, ओपन करने के लिए सपोर्ट। ये हो गया आपका बॉटल होल्डर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज, एंड ये हो गया आपकी स्पीकर के लिए जगह। अंदर बैठ के बात करते हैं, यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाएगा। सबसे पहले ये मैनुअल मॉडल है, तो एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच। ये हेडलाइट लेवलर की बटन दी गई है आपको, एंड यहाँ पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाते हैं तो उसके लिए एडिशनल स्पेस दी गई है, जहाँ आप एडिशनल फिटिंग करवा सकते हैं गाड़ी में। ये हो गया आपका की लगाने के लिए जगह, जहाँ से आपकी गाड़ी स्टार्ट वगैरह होगी। एंड मैं इसको ऑन करके आपका क्लस्टर दिखाता हूँ।
तो कुछ ऐसा बेसिक क्लस्टर मिलता है इसमें आपको, जहाँ की बीच में आपको स्पीड आप काफ़ी बड़े में देखने मिल जाएगी, एंड सारे वार्निंग साइंस अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है तो शो हो रहे हैं। ये वाली जो राइट में बटन है, इससे आप अपनी रेंज, आपकी गाड़ी कितनी चली हुई है, ट्रिप मीटर, ये सब देख सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ लेफ्ट में आपको ये वाइपर के कंट्रोल दिए जाएंगे, जिसमें कि ये मिस्ट वाला एक सिंगल बार रन करने के लिए ऑफ, जो अभी करंट पोजीशन पे है, इंटरवल वाला हर 3 या 5 सेकंड में आपका वाइपर चलाएगा, लो में वाइपर कंटिन्यूसली चलता रहेगा कुछ देर के लिए, एंड हाई में काफ़ी स्पीड से चलेगा। राइट साइड में आपके ये हो जाएंगे हेडलाइट के कंट्रोल्स, ये पार्किंग लैंप ऑन करने के लिए, एंड ये वाला पूरा हेडलाइट ऑन करने के लिए, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी मिलता है लेफ्ट और राइट। ये हो गया इसका स्टीयरिंग, काफ़ी बेसिक स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, कोई भी इसमें कंट्रोल्स वगैरह नहीं है आपका, सिर्फ यहाँ सुजुकी का लोगो है, एंड यहाँ पे एयरबैग है स्टीयरिंग में। बात करते हैं इसके प्लेयर की, तो प्लेयर में आपको छोटी छोटी अलर्ट्स मिल जाएंगी, इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन दिया गया है, एंड इसमें टच स्क्रीन नहीं है, ये पूरा आपका मैनुअली कंट्रोल प्लेयर है, जिसमें आप वेरियस मोड्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी तो सिर्फ लो फ्यूल दिखा रहा है क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। एंड नीचे आपको यहाँ हज़ार्ड वार्निंग लैम्प दिया गया है। उसके बाद फ्रंट पावर विंडोज़ आपको यहाँ सेंटर पे दिए गए हैं, साइड की जगह आपको यहाँ सेंटर पे दिए गए हैं, जो कि थोड़ा कॉस्ट कटिंग मेजर कह सकते हो आप, तो यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नीचे ये एसी का टेम्परेचर की नॉब है ये वाली, यहाँ पे आपका एयर रिसर्कुलेशन का, एसी ऑन ऑफ की बटन, ये आपकी हो गई फ़ैन की स्पीड, एंड ये हो गए आपके एसी के मोड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, एंड ये 12 वोल्ट वाला चार्जर दिया गया है। ये आपका गियर लीवर हो गया, 5 फ्रंट स्पीड एंड एक रिवर्स हो गया, ये आपका हैंड ब्रेक, एंड अगेन पीछे यहाँ छोटा सा स्टोरेज स्पेस आपको दिया गया है। पैसेंजर साइड आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, ये आपका हो गया दरवाज़ा ओपन करने के लिए, ये लॉक हो गया, ये ग्रैब हैंडल, और नीचे आपका बॉटल के साथ थोड़ा सा एडिशनल स्टोरेज स्पेस। सर ग्लव बॉक्स देखते हैं, तो ग्लव बॉक्स थोड़ा डिसेंट साइज़ का है, ज़्यादा कुछ डेप्थ नहीं है, आप छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट दिया गया है, एंड सेंटर के लिए आपको 2 AC वेंट यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर दिया गया है, इस साइड ये साइड हो गए आपके सन वाइजर्स, ये हो गया आपका ग्रैब हैंडल, एंड ये होगा आपकी कैबिन लाइट। सेंटर में आपका डोर पर हो जाएगा, सेंटर पे आप रखेंगे तो ये डोर के लिए हो जाएगा जब डोर ओपन क्लोज होगा। राइट साइड आपका परमानेंट ऑन, एंड लेफ्ट साइड हो गया आपका परमानेंट ऑफ। सिमिलरली एक सन वाइजर आपको यहाँ ड्राइवर के लिए दिया गया है। गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपकी हाइट 6 फुट से भी ज़्यादा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है बैठने में। चलिए आगे का हो गया, पीछे बात करते हैं। उससे पहले ये ड्राइवर सीट की बात करें, तो यहाँ पे आपको एक टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, एंड इसमें हाइट एडजस्टमेंट या एडिशनली कोई भी एडजस्टमेंट सीट में नहीं मिलता है, तो सिर्फ बेसिक आपको मिलता है, एंड ये लीवर यूज़ करके आप इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रियर स्पेस की, तो रियर स्पेस आप देखेंगे तो यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, 2 पैसेंजर्स के लिए आपको इसमें हेडरेस्ट दिए गए हैं। गाड़ी का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो अगर आप 3 लोग ठीक ठाक हेल्दी हैं तो इसमें आपको ट्रैवल करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट हाइट के हिसाब से जैसे मेरी हाइट 6'2" है, मेरे बैठने के बाद भी यहाँ स्पेस काफ़ी बचा हुआ है, जबकि मेरी आगे वाली सीट भी मेरे हाइट से ही एडजस्टेड है, तो अंदर स्पेस की कमी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, अच्छा खासा आप ट्रैवल कर सकते हो, और गाड़ी में कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर वही सब बेसिक चीज़ें हैं दरवाज़ा ओपन करने के लिए, बट हाँ इस टाइम पे मारुति को यहाँ पे पावर विंडोज़ दे देने चाहिए थे, क्योंकि ये VXI मॉडल है, बेस मॉडल भी नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको ये मैनुअली ही ओपन करना पड़ता है विंडो, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। नीचे अगेन आपको स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है, एंड यहाँ पे आपको लेग रूम काफ़ी दिया गया है आपके पैसेंजर्स के लिए, तो उस चीज़ में आपको कभी कमी नहीं लगने वाली है। तो ओवरऑल कुछ ऐसा था रिव्यू इस गाड़ी के बारे में, आप शोरूम विज़िट करके कभी भी गाड़ी देख सकते हैं। मैं अभी आया हूँ शुभ मोटर्स जबलपुर, जिस शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप शोरूम विज़िट करके कभी भी ये गाड़ी देख सकते हैं एंड टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, आप चाहें तो आपके घर भी आ जाएगी अगर आप जबलपुर में हैं तो। तो कैसा लगा आपको रिव्यू प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।